बिहार समस्तीपुर से देखिए रिपोर्ट जितेंद्र कुमार की। समस्तीपुर शिक्षा विभाग के जिला कार्यक्रम पदाधिकारी श्री मानवेंद्र कुमार राय का पदभार संभाला। अंजलि ने कार्यालय में रहकर वहां की कार्यशैली को समझा और डी पी ओ सर के समक्ष अपनी बात भी रखी। अंजलि ने सर का मुख्य ध्यान विद्यालय में होने वाली दिक्कतों जैसे शौचालय की स्वच्छता, चंगिंग रूम तथा बाल संसद की मजबूती पर बात रखी। डी पी ओ सर ने अंजलि को आश्वस्त किया कि उसके इस मान को वह राज्य की मीटिंग में रखेंगे एवं इसके लिए अनुकूल कदम उठाएंगे। इस कार्यक्रम पर अंजलि के अलावा चांदनी और राजनंदनी भी मौजूद रही और उन्होंने भी सर को विद्यालय आने वाली बाधाओं पर चर्चा किया। ये कार्यक्रम प्लान इंडिया के सहयोग से जिला शिक्षा कार्यालय में करवाया गया। प्लान इंडिया एक पंजीकृत गैर लाभकारी स्वयंसेवी संस्था है जो कि बच्चों के कल्याण और विकास तथा सभी बालिकाओं व महिलाओं हेतु समानता को आगे बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। डी पी ओ सर ने इस कार्यक्रम के लिए प्लान इंडिया टीम को धन्यवाद किया जो कि बच्चों के एक्सपोजर का एक अनूठा तरीका है। इस मौके पर प्लान इंडिया से गोमती त्रिपाठी, आलोक, मनोज, अनीता, सुनील, अमित और कामत जी उपस्थित थे। गोमती ने बताया कि बच्चे आत्मविश्वास से लिवरेज हैं और इस तरह के कार्यक्रम में उनकी भागीदारी उनको और प्रोत्साहन देगी। सर, ये बालिका दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य हम लोग का ये रहता है कि हम लोग जो हैं इसमें लड़का और लड़की को लेके बहुत सारे लिंग आधारित होते हैं, समस्या होती हैं जिसे निपटाया जा सके, इसके लिए हम लोग को मनाया जाता है ये बालिका दिवस। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। इस अवसर पर लड़कियों को बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, इसलिए इस दिन को खास बनाने के लिए हम लड़कियों एक साथ मिलकर लड़कियों को हमेशा आगे रखें जिससे समाज और देश में हरेक प्रकार के परिवर्तनों से लड़कियों जूझ रही है उसको सॉल्व करें। क्योंकि आपने ये जिला कार्यक्रम पदाधिकारी थोड़ा हिलाते रहो, सब माउस को हिलाते रहो, थोड़ा इधर उधर दबाना नहीं है, सिर्फ देखते हैं। वहाँ से एक सर्टिफिकेट बनकर उनके उस समय के जो इमीडिएट बॉस थे वो कि हाँ इन्होंने हमारे यहाँ काम किया, उनका कोई भी बकाया यहाँ पे नहीं है, इसके आधार पे उनका वेतन ये हमें देखते हैं। अकाउंट्स बालिकाओं के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है, इस दिशा में इधर और प्रगति बढ़ी है। जैसे आप देखेंगे कि बालिका पोशाक, छात्रवृत्ति, बहुत सारी चीज़ें जो डीबीटी के माध्यम से शुरू हुआ था, यहाँ तक साइकिल जो देना शुरू हुआ था 9th क्लास में वो बालिकाओं को ही सर्वप्रथम दिया। अभी जो एक मुख्य जो एक समस्याएं आती है जो किशोर अवस्था की जो बच्चियाँ होती हैं जो आती है, अभी हम लोगों ने कई जगहों पर वेंडिंग मशीन वगैरह इंसुलेटर वगैरह का हम लोगों ने बनाना शुरू किया है, विभाग के द्वारा एक पहल किया गया है। तो निकट भविष्य में हम लोग सारे स्कूलों तक पहुँच बना सकेंगे, इस दिशा में काफ़ी तेजी से काम हो रही है। साफ सफाई के बारे में भी बातें हो रही थी, अभी एक शिक्षा विभाग का एक नवीन पहल हुआ है, स्कूलों में हाउस कीपिंग के जरिए साफ सफाई का काम करना, चाहे शौचालय हो, चाहे कक्षा हो, चाहे बरामदे हो, चाहे पूरा स्कूल का परिसर हो, इसमें बच्चों या बच्चियों को अब किसी भी तरह से इंगेज नहीं।
सारा काम अब वो सारी एजेंसियाँ संभालेंगी। समस्तीपुर ज़िला में बताते हुए एक खुशी हो रही है कि अन्य जिलों के अपेक्षा यहाँ की प्रगति इस मामले में काफ़ी तेज़ी से हो रही है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में लगभग सारे स्कूलों में अपनी हाउस कीपिंग के जरिए साफ सफाई के काम को हम लोग शुरू कर पाएंगे। बालिका एजुकेशन के लिए आप देखिएगा कि कस्तूरबा विद्यालय का कंसेप्ट है। कस्तूरबा विद्यालय के द्वारा हम ऐसे बच्चियों जो कि सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, किसी वजह से हाशिए पर चले गए हैं, उनको उन विद्यालयों में हम लोग रखते हैं। आवासीय विद्यालय है और उनको खास तरह का कई तरह का ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है, जैसे आत्मरक्षा वगैरह सारी चीज़ों को कर सकते हैं। कुछ और भी ट्रेनिंग जो दिया जा रहा है आपदा वगैरह संबंधित, उसमें एक ट्रेनिंग होता है बच्चों को यह बताना कि बैड टच क्या होता है, गुड टच क्या होता है, इन सारे चीज़ों पर हम बात करते हैं। उनके जो भावनात्मक जो संदेश होते हैं और किशोरावस्था में आपके जो परिवर्तन होते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए, उसका कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी कई स्तरों पर हम लोग काम करते हैं। और मुझे खुशी है कि इसमें विभाग के साथ साथ विभिन्न NGOs और मीडिया के द्वारा भी हम लोग सहयोग दिया जाता है, जिला प्रशासन के द्वारा भी इसका सहयोग दिया जाता है। अभी बहुत सारा सफर भी का जो अभी रास्ता हमारा है वो तय किया जाना बाकी है। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में हम लोग बेहतर भविष्य का निर्माण कर पाएंगे, तभी हमारा देश में। एक दिन के लिए मैंने ये कुर्सी, मतलब मैं इस कुर्सी पे बैठी हूँ, तो मैं शिक्षा विभाग में ये परिवर्तन लाना चाहूँगी कि जो अभी जो बच्चों का पढ़ाई है बहुत डिफिकल्ट होता है, तो मैं जितने भी टीचर हैं उनसे मतलब आदेश, हाँ वही सूचित करना चाहूँगी कि वो मतलब पढ़ाई को जो है रुचिकार बनाए और आसान बनाए, ताकि बच्चों को पढ़ाई में मन लगे और बच्चे उसकी ओर ज़्यादा आकर्षित हो। मेरा नाम मानवेंद्र कुमार राय है और मैं DPO SSS समस्तीपुर। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पे हमारे ही जिला की एक बालिका ने मेरी कुर्सी को आज के लिए टेकओवर किया है, और मैं चाहूँगा कि सिर्फ आज के लिए नहीं, ये इतनी आगे बढ़े कि पूरे ज़िले का कमान अपने हाथों में ले एक दिन और एजुकेशन के लिए बेहतर वो सारी चीज़ें करे जो ये करना चाहती हैं। जैसे कुछ बातों को मैं इनका सुन रहा था, मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने बताया कि एक चेंजिंग रूम होना चाहिए पीरियड के समय में लड़कियों का, इतने खुलकर इन्होंने बताया, अपनी समस्याओं को बताया। और आज से पहले मुझे किसी स्टूडेंट ने इस चेंजिंग रूम के बारे में बताया था और एक विज़न एक लगा जब ये यहाँ पर आकर बैठी हैं तो बात करने के शायद से भी लगा इनका। इन्होंने बताया कि स्पोर्ट्स के लेकर कि वो जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पुराना खेल है तो सिर्फ लड़के ही खेलेंगे, लड़कियाँ नहीं खेलेंगी। इस तरह से देखा जाए तो हमारे सोसाइटी में आज भी बहुत सारे जेंडर बायस एक परिकल्पना को लेकर हम लोग चल रहे हैं और कई चीज़ों में लड़कों और लड़कियों के खांचे में लोग बांट, चाहे एजुकेशन की बात करें चाहे प्रोफेशन की बात। प्रोफेशन में हम अक्सर देखते हैं कि हम लोग मान लेते हैं कि लड़कियाँ आएँ तो टीचिंग कॉलेज जॉब में जाएंगी या घर गृहस्थी ये सब लेंगे। लड़कों के लिए हम लोगों ने पूरा एक तरह से आसमान रख दिया है, वो आसमान हमारे बच्चों के लिए भी उतनी ही ज़रूरी है जितने हमारे बच्चों के लिए ज़रूरत है। आज ज़रूरत है कि आज हम अपने माइंड सेट को बदलें, अपनी सोच को बदलें, सिर्फ वैचारिक स्तर पर नहीं बदले बल्कि उसको एक कार्यात्मक रूप से भी हम लोग धरातल पर भेजें। तो आज हमारी बच्ची यहाँ पर बैठी हुई है, तो मैं समझता हूँ कि इनकी बातें सुनना और समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, ये किस तरह का बदलाव चाहती है, अभी के हिसाब से इनको किस तरह की समस्याओं का, इनके जैसे इनकी और भी जो सब पार्टी रही है उनको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और आप ये जब इस कुर्सी पे बैठेंगी भविष्य में तभी किस तरह का बदलाव करेंगी उसका अगर कुछ ये और बताना चाहेंगे तो हम लोग जरूर सुनना चाहेंगे। और ख़ासकर हम मीडिया पर्सन से ज़रूर आग्रह करेंगे कि आपको इस माइंड सेट बदलने का जो मुहिम है इसमें हम लोग का साथ दीजिए, हम और आप मिलकर काम करेंगे तभी ये चीज़ें बदलेंगी।